साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडाणी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अगबिन सोए पहले भए प्रणाम तिन नमो जवाब होए। गरीब सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है सतगुरु आप अलेख सतगुरु रंग तारा या मीन न मेख। परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों आपको अपने घर की जानकारी हुई। इस काल के लोक के षड्यंत्र का आपको पता चला। सबसे ज्यादा नुकसान आपका यदि इस जीवन में होता है वो अध्यात्म का होता है। बाकी संपत्ति संतान ये संस्कार से आपको मिलती रहती है। जो भक्ति नहीं करते और भक्ति सत्य नहीं करते जहां तक जिस सत्र की भी है तो उस सत्र की भी सत्य भक्ति होनी चाहिए। जैसे ब्रह्म साधना करते हैं तो वो भी वेदों अनुकूल होनी चाहिए। तो इनकी वो वेद अनुकूल भी नहीं है। गरीबदास जी कहते हैं तुम्हारी बात वेद के खिलाफ है रे। तुम जो बातें बनाते करते हो इन नकली गुरुओं से कहते थे परमात्मा तुम्हारा जो ज्ञान है यह भी तुम्हारे वेद के विरुद्ध है। चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवद गीता है। इसमें तप को करने वाले को मूर्ख राक्षस मुझे भी दुखी करने वाले और शरीर के अंदर विराजमान शक्तियां कमलम विराजमान उनको भी परेशान करते हैं उनको असुर योनियों में डालूंगा। भक्ति कोई बच्चों का काम नहीं है, एक जीवन का सौदा है। सबसे बड़ा सौदा ये है परमात्मा की कृपा से आपको इस सौदे के करने का सही तरीका मिला। पूरा सतगुरु मिल गया, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान मिला। कभी विचार करते हो आप बैठ के कि बात बातों में ये क्या हो गया। प्रारंभ में इतनी रुचि नहीं होती जितनी अब आपकी बनती जा रही है, क्योंकि बच्चे प्रथम कक्षा में जब पढ़ते हैं तब उनका भाव कुछ और ही होता है। धीरे धीरे वो उच्च क्लासेस में पहुंच जाते हैं तो उनकी लगन विशेष हो जाती है। अब आपकी लगन विशेष होती जा रही है, आपका दिमाग आपकी बुद्धि विकसित हो गई है, इसलिए आप कोशिश करते हो कि ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा में सुमरण में और सत्संग। जैसे अब परमात्मा की कृपा से दास ने आपको मालिक की महिमा बतानी शुरू की है, इसमें भी आप तो बहुत अच्छी रुचि ले रहे हो। तो इससे सिद्ध हो गया कि आपको ये समझ आ चुकी है कि किया जाता ये काम है, बाकी तो मजबूरी है। वो तो ना करेंगे तो तुरंत दिखाई दे नुकसान बना होगा, और इसको नहीं करेंगे अभी अध्यात्म ज्ञान से पता चलता है कि ये ना करा था कति सत्यानाश हो जाएगा, कितने योग्य नहीं रहेंगे। तो बच्चों ये ज्ञान से ही सारी बातें होती हैं, और ज्ञान सतगुरु बिना नहीं मिलता। गुरु बिन काउ न पाया ज्ञाना जो तोता हो छड़े पछाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे निसार रहे अज्ञानी। एक बात ये सिद्ध हो जाती है कि अभी तक गुरु किसी को प्राप्त नहीं था। यदि प्राप्त होता तो ये ज्ञान पहले होता हमारे पास, और जिन महापुरुषों को ज्ञान हुआ उनकी किसी ने सुनी नहीं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, मेरे पूज्य गुरुदेव जी, तो उनकी किसी ने सुनी नहीं, और परमात्मा ने अब जा करके ये सब व्यवस्था की है। उनका वचन था जो कलयुग 5505 बीत जाएगा, 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब अपने एक दास को भेजूंगा।
गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो तोथा भूसड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञानी। तो बच्चों अब वो आपको गुरु प्राप्त हुआ है, जैसे आपको बताया कि ये सौदा फिरना ही संतो, यू सौदा फिरना ही मनुष्य जीवन का जो सौदा है, इस मानव जीवन का जो सौदा, इसमें अगर नुकसान हो गया, ये बहुत ज्यादा नुकसान है इसका, फिर इस जीवन में कई जीवनों के अंदर भी ये अक्षति पूर्ति नहीं होगी। और इसके जिम्मेदार ये नकली गुरु हैं जो काल के दूत। अब तो ये मान बढ़ाई के भूखे, 1000-2000 चेले हो जाए, चेली हो जाए, इनको दान दक्षिणा मिल जाए, ऋण की मौत हो जाए। परमात्मा की तरफ जो लगते हैं वो संस्कारी बच्चे होते हैं परमात्मा के, जैसे गीता दया 7:12-15 और 20-23 में काल कहता है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूँ, वो मेरे कारण हो रहा है। जिसको 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाना होता है, उनके शरीर से तपत शिला में भून के उनमें से सूक्ष्म शरीर से वो शोरबा निकालता है, और जीव को इतनी पीड़ा होती है मूर्छित होने के बाद वो अचेत हो जाते हैं, तो उसके बाद उनको उठा कर फेंक देता है। फिर धर्मराज के दरबार में लाइन लगती है, किसी को स्वर्ग, किसी को नरक, कोई राजा बने जाओ, सारा काल का खाजा। तो बच्चों ये काल का षड्यंत्र सतगुरु बिना नहीं कोई बता सकता। परमात्मा स्वयं सतगुरु बनकर आए, उन्होंने ये सब पर्दा पास किया, जैसे गीता दया 7:12-15 और 20-23 में ये कहता कि जो कुछ भी ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, विष्णु जी से स्थिति यानी पालन, और शंकर जी से सहार, इन तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूँ। फिर स्पष्ट कर दिया कि जो केवल इन तक की भक्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक, तीनों गुणों की जो भक्ति करते हैं और इनसे आगे कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मुझे भी नहीं बचते। 20-23 में यही स्पष्ट किया कि अन्य देवता जो है इनसे हटकर, ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे के देवताओं की जो पूजा करते हैं, उन अल्प बुद्धि वालों का वो ज्ञान अक्षीणिक है, वो लाभ है, उनकी भक्ति के कारण मैंने उनको कुछ शक्ति दे रखी है, यानी ये मूर्खों की पूजा है। फिर बताते हैं कि मेरी भक्ति चार प्रकार के करते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त वो होते हैं जो संकट निवारण के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, तो जो केवल वेदों अनुसार साधना करता है, अपने संकट निवारण के लिए वेद मंत्रों का अनुष्ठान करता है, वो आर्त है। और एक अर्थार्थी यानी धन लाभ के लिए भगवान की जो भक्ति वेदों में लिखे मंत्रों के आधार से उसकी साधना करता है, धन प्राप्ति को उद्देश्य लेकर जो साधना करता है वो अर्थार्थी। जिज्ञासु, जिज्ञासु वो होते हैं जो जगह जगह जाके जैसा भी ज्ञान उनको मिलता उसकी खिचड़ी बना के और स्वयं भूगुरु बनकर जनता के भोली श्रद्धालुओं के नाश करने पर जुट जाते हैं, लग जाते हैं। उनको ना सिर का पता होता, ना पैर का, ना दत्व ज्ञान से वो परिचित होते हैं। उनके गुरु भी ऐसे ही नकली और वो फिर आगे सारी साधना व्यर्थ की बताते हैं। फिर बताया कि चौथे प्रकार के ज्ञानी, ये ज्ञानी आत्मा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये मुझे चाहते हैं। 7:18 में स्पष्ट कर दिया है, ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार यानी कति निर्मल आत्मा के समर्पित है, कुर्बान है परमात्मा के लिए, लेकिन ये मेरे वाली अनुतमा गतिम, मेरे से प्राप्त होने वाली अनुतम अश्रेष्ठ निष्कृष्ट गति मोक्ष में आश्रित है। ये अनुत्तम शब्द है, उत्तम माने अच्छा, अनुत्तम इसका विपरीतार्थक शब्द है। ये हमारे धर्मगुरु इसका अनुवादक इसमें लिख रखा है, अति श्रेष्ठ, जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। तेरा जो भाई कोई फेल हो जाता बच्चा, रो कहता है
मेरे लिख रखा अनुत्तीर्ण यानी फेल, और कोई कहे इसमें लिखा क्या इससे बढ़कर कोई पास नहीं, सफल हो गया। वो कहने को तो कुछ भी कह सकता है परंतु वो बात गलत है। सातवें अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर बधते। ये ज्ञानी आत्मा भी अनेकों जन्मों में तो ऐसे ही गलत साधना करते रहे नीचे की, किसी अंत के समय में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है बस, कोई कोई। और वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ है, जो गीता कितना पवित्र शास्त्र है, कितना अनमोल ज्ञान इसके अंदर है, जिसने इसका अनुवाद ठीक से नहीं करना आया और उन्होंने अनुवाद कर दिया, ये तो और सत्यानाश कर दिया, अर्थों का अनर्थ करके जनता में भेज दिया। उसी आधार पर सब आश्रित होकर के बस उस अच्छे ज्ञान को गलत बनाकर पेश किए गए को सत्य मान लिया। अब ये स्पष्ट कर दिया है कि जो संत जो महात्मा गुरु ये बताए कि वासुदेव है क्या, डेफिनेशन ऑफ वासुदेव, वासुदेव ये श्री कृष्ण को कहते हैं। वासुदेव तो वेदों में लिखा है, श्री कृष्ण जी तो द्वापर में पैदा हुए, ये वासुदेव के पुत्र थे, एक नाम था एक व्यक्ति का। वासुदेव का अर्थ होता बच्चों जिस परमात्मा की सत्ता सबके ऊपर हो, चक्रवर्ती सर्वव्यापक अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी। और जो ये बताए कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, यज्ञों में प्रतिष्ठित करके उसको मूल रूप में इष्ट रूप में पूजा जाता है, वो सारी सृष्टि का रचनहार है और सबका पालन करता है, सबका धारण पोषण करने वाला वही है, जीव को मुक्ति दिलाने वाला, पाप कर्मों का नाशक नाश करने वाला वही है, केवल उसकी भक्ति करो। ये खुद गीता बोलने वाला कहता है कि हर मैदा के 62वें श्लोक में, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त हो। हमारी बात यहाँ पर अड़ी है दूसरे लोगों संतों के साथ कि तुम उसको जानते ही नहीं, तुम्हारा गीता बोलने वाला ही नहीं जानता, उसके लिए कह दिया किसी हितोदर्शी संतों से जाकर पूछो, बात खत्म होगी। तो ये ऐसा ज्ञान देने वाला संत सो दुर्लभ है। अब जैसे 15वें अध्याय के 4वें श्लोक में बताया कि तत्वदर्शी संत प्राप्त होने पर उससे प्राप्त तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो बच्चों ये बताने वाला संत सो दुर्लभ है और आपको सुलभ हो चुका है। तत्व ज्ञान कोई ना कर झूम करा, पैसे ऊपर नाच सुन रही झूम करो, कोटो मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्व सुन रही झूम करो। तत्व ज्ञान बताने वाला संत हे झूमकरा, हे राम राय, आपको करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क, गर्क का अर्थ होता है कपि परिपूर्ण, हर तरह से उसको अधिकार हो दीक्षा देने का, उसको ज्ञान हो संपूर्ण, पूरी भक्ति विधि उसके पास हो, उसको गर्क बोलते हैं, गर्क यानी सर्वसंपन्न। तो बच्चों फिर वो सतगुरु क्या बताता है, यो सौदा फिर नहीं संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नहीं रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। बच्चों एक सेकंड में पल में पता नहीं आप फूक निकल जा कब, और जिसका लालच देकर अपने को मूर्ख बना रखा, कति महा मूर्ख, आपको और थोड़े से दिन में ये ज्ञान सुनते रहो अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। लेकिन हम मूर्ख बन चुके हैं, हम मूर्ख बनकर संस्कार खराब कर चुके हैं,
हमारा संस्कार परिवार जो कुछ भी ये बन चुका है, अब हमने इसको सेट करना है। अब काल के दाव को ऐसे काटना है, इन बच्चों को भी मालिक की शरण में लगा जाएंगे। अब उस संस्कार को कभी खत्म कर देगा परमात्मा, जिसने एक दूसरे को कष्ट देना था और कोई वैसे नहीं आ रहे बेटा बेटी बनकर, कोई न कोई ऐसी रोज कट्टा सा चुप हो जाते हैं, कोई लड़का बकवाद कर लठम लट्ठा हो जा, कोई लड़की बकवाद कर दे भाग जा, दूसरी अपने कुल की मर्यादा तोड़ के तो माँ बाप रोक लो मर जा। तो अब परमात्मा इनको ऐसा सेट कर देगा, ये भगवान के बच्चे बढ़कर लाइन पे चले। उदाहरण देख लो आपके प्रत्यक्ष सामने है, जिनके सुथरे दिन आगे सुदिन, उन्होंने दास के प्रत्येक वचन को फॉलो किया। बेटी क्या होती है, बेटी पिछले जन्म का हमने इसका कितना मार रखा था धन, और उस बटेऊ का जो बेटी का पति बनता है, पिछले जन्म में हमने बकवाद करके ठगी करके इनको ठग रखा होता है, और फिर वो छाती में बैठ के लेंगे सारा पर देना पड़े। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लिख, भगवान देगा उसमें कोई दुख नहीं होगा। ऐसे अटपट बकवास करके कितने ले लियो, पाई पाई देनी होगी। अब ऐसे संस्कार बदलता है कबीर भगवान। अब इन बेटियों को हम एक चवन्नी नहीं लगती हमारी, एक पैसा नहीं लगता, और बेटी कति खुश होकर इस ज्ञान को समझ के और अपना जीवन सफर शुरू कर देते हैं। बच्चे आश्रम में शादी कराई और जाओ कमाओ बेटा, और भक्ति करो भगवान की, दो रोटी देगा दाता। काट दिए संस्कार सारे, ना तो मरते तुम तक आज बात आ गया कल सूचक था। अब बालक का होगा छोरी को पहुंचाना से लाना से, कोथली आ गई सिंधारी आ गई, ब्रान माटी साठ चून नू ले फिरे जाते पका के, पर लेना एक ने देना दो। तो अब ये संस्कार में हम फंस गए, लेकिन समर्थ की शरण क्यों लेते हैं, इसीलिए तो देते हैं कि हमारे बिगाड़े हुए कर्मों को, हमारे किए गए उत्पातों को अब दाता ठीक करेगा, और करने लग रहा है, धीरे धीरे कति क्लियर भी हो जाएगा। तो अब आपने और हमने क्या करना है, हम करते क्या रहे, सौदा क्या होता है। जैसे 10-20-5-7 लाख रुपए लिए किसी से उधार पर और देश प्रदेश में चले जाते थे, पहले वहां धर्मशालाओं में रुकते थे, जिनको लगन होती थी, जिनको ज्ञान होता था, वो धन से सौदा खरीद खरीद के दुगुना तिगुना चौगुना करके अपने घर आते थे और मालोमाल हो जाते थे, आप भी सुखी परिवार भी सुखी। और जिनकी बुद्धि भ्रष्ट थी, उस पैसे से वहां जाके शराब पीते, होटलों में ऐश करते, और जब वो खत्म हो जाता थी मुंह लटका के घर पे आते। जिनसे उधार लेके गए थे वो कहता ला वापस थे ना, मजदूर लग गया। तो बच्चों ये वही प्रमाण दिया है, जो आज ठीक ढंग से सच्चे गुरु के पास जाके और डट के व्यक्ति करेंगे, मर्यादित रहेंगे, वो इस मनुष्य जीवन की पूंजी को दुगुना तिगुना चौगुना कर लेंगे। और कुछ मूर्ख भक्ति करते नहीं, तो बच्चों ये जीवन का सौदा है। यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, जो प्रदेश में जाके अपनी पूंजी नष्ट करके आ जाते हैं उनकी दुर्गति होती है, और जो इसको संभाल लेते हैं वो साहूकार बन जाता है। कबीर सब जग निर्दना बनने कोई, धनवान उसको जानियो जिस पर राम नाम धन हो। यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, लोहे जैसा ताव जात है, लोहे के साताव जात है, काया देश राही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगा माही संतो, यो सौदा फिर नाही,
तीन लोक और भवन चतुर दस, तीन लोक और भवन चतुर दस, सब जग सोदय आही, संतोयो सौदा कर नाही। दूने तीने किए चौगने, दूने तीने किए चौगने, किन्ही मूल गवाई, संतोयो सौदा कर नाही। उस दर्ग में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही, संतोयो सौदा करना। परमात्मा के दरबार में जब जाओगे, भक्तिहीन प्राणियों की यम के दूत बाम रोड कर और झूठ मार पिट जाते हैं। वादन की मोहे डरनी लागे, वादन की मोहे डरनी लागे, लज्जा रहे अकना हीर, संतोयो सौदा कर नाही। नर नारायण देह पायक, फिर चुरासी जाई रे, संतोयो सौदा कर नाही। परमात्मा ने अपने जैसा शरीर आपको दिया, ये नर रूप नारायण के जैसी शरीर है, देही है, और ऐसे सुंदर शरीर को पाकर फिर 84 लाख योनि में कुत्ते गधे सूअर के शरीर प्राप्त करने जा रहे हो, धिक्कार है तुम्हारे को। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जा मन मरण मिटाई रे, संतोयो सौदा कर नाही। स्पष्ट कर दिया कि उस सतगुरु के ऊपर बलिहारी जाऊं, कुर्बान हो जाऊं, जो जन्म मरण मिटाओ। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही रे, संतोयो सौदा फिर नाही। बांध पिंजरी आ गए धर लिया, मरघट में ले जाही रे, संतोयो सौदा फिर नाही। मृत्यु के बाद सबकी एक राय हो जाती है, इसको उठाओ और फूको, लाते पड़ जाएंगे, इसमें बांस उठेगी। बांध पिंजरी आगे धर लिया, फिर मरगट में ले जाए। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाई रे, संतोयो सौदा फिर नाही। अब कर दिया काम फूक पाक के, और जब तक इस शरीर में ठीक ठाक चल रहा था, उद्मस्तार रखा था, जो काम करने का था वो करा दे, और करना चाहती दुश्मन नकली गुरु पाल के दूत, ये ऐसा जुल्म करते हैं, ये पैसे ऊपर नाच मुड़े जो मकरा, पैसे के लिए। वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे, संतोयो सौदा कर नाही। उसके मरने के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं, अब करते हैं जिंदा जी, मरने से पहले करते हैं, ताकि उसका डर पड़े, अच्छे बुरे कामों का निर्णय पता लगे, अपने जीवन को उसके अनुसार सेट करके शुभ कर्म करके जावे। गरुड़ पुराण में बताया जाता है, जिसने ऐसे कर्म करे उसको ऐसा दंड मिलता, जो ऐसे करता उसको ऐसा मिलता है। परमात्मा कहते वो मर गया, उस गुरु पुराण में पढ़ लो, क्या फायदा उसका, ये तो शिक्षा पहले देनी चाहिए थी उसको, ताकि पाप कर्मों से बचता, शुभ कर्म ठीक से करता। अब गुरु पुराण का पाठ भी कर दिया, फिर क्या हुआ, नर सेती फिर पशुआ के जय, गद्दा बैल बनाई रे, संतो यो सौदा फिर नाही। नरसेती फिर पशुआ के जय, नरसेती फिर पशुआ के जय, गद्दा बैल बनाई रे, संतोयो सौदा फिर नाही। बच्चों एक एक पंक्ति का, एक एक आदि आदि पंक्ति भी ऐसा गजब का ज्ञान से भरी हुई है, जो ध्यान दो थोड़ा सा डर लगेगा, आदमी से पशु बनेंगे, और 56 भोग कहा मन बोरे, कुर्री करने जारी। बताओ, नरसेती फिर पशुआ के जय, नरसेती फिर पशुआ के जय, गद्दा बैल बनाई रे, संतोयो सौदा फिर नाही।
ये छप्पन भोग कहाँ मन बोरे, कितक कुरड़ी चरणे जाई रे संतोयो सोदा करना। बच्चों ये ब्रह्म मुहूर्त और ये अमृत वचन आपको सारा दिन ऐसा बांध कर रखेंगे, मन पापी के बकवाद करने की सोच रहा होगा तो भी हाथ उल्टे हो जाएंगे। आज हम कितना सुंदर भोजन खाते हैं, जब चाहे भूख लगे खा लेते हैं, बढ़िया से बढ़िया भोजन जितना जिसकी औकात है, खूब सुथरा खाते हैं, पशु पक्षियों से तो अच्छा खाते हैं। भक्ति ना करने से, भक्ति गलत करने से पशु बन गए, गधे बन गए। कहते ये सुंदर भोजन का मन मोरे कितना कुरड़ी चढ़ने जाए होएगा। ये किसी डोम बाट के गीत नहीं, वो नावल की बनावटी कथा नहीं, ये परमात्मा कबीर जी का दिया ज्ञान, उसके बच्चे संत गरीब दास जी महापुरुष का दिया हुआ ज्ञान। एक शब्द भी गलत नहीं है इसमें, एक शब्द एक अक्षर भी। हम अपनी बुद्धि से तोल रहे तो अलग बात है, अब अपनी बुद्धि जीव की है, ये परमात्मा प्राप्त महापुरुष थे, इनकी किसी भी बात पर अविश्वास स्वप्न भी नहीं करना आपने। बच्चों एक एक बात आपकी छाती में रखा जाएगा, ये पहले दास ने जो ज्ञान दिया आपको सब प्रमाणों से प्रमाणित किया, 8-9-10 साल तक लगातार ये दिखाने पड़े। आज आपको जो भी दास कहेगा किसी प्रमाण के दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दास कहना चाहता है कि आपको जो ये ज्ञान सुनाया जा रहा है, ये महापुरुष गरीब दास जी द्वारा बोला गया है और उन्होंने भगवान को आंखों देखा था, उनसे प्राप्त ज्ञान है ये। अब क्या बताते हैं, उधर तो गरुड़ पुराण का पाठ किया, फिर श्राद्ध शुरू हो गए, फिर महीना, पहले तो बहुत पंगा था कि कई तो महीने मनाए जाते, फिर 6 माई 6ठे महीने, फिर वर्षी, फिर उसका काज करना, और फिर जैसे मृत्यु के बाद अस्थियों को उठाकर गंगा में गेर के आना, वो सारी क्रिया मुक्ति के लिए करी जाती थी। अस्थियां उठा के गंगा में डलवाना, पंडित जी के द्वारा क्रिया मंत्र मंत्र बोलकर डालोगा, तेरे पिता की मुक्ति हो जाएगी, गति हो जाएगी। फिर 13वीं करनी, फिर महीने कराया करते, फिर 6 माई, फिर वर्षी, उसके बाद श्राद्ध शुरू हो जाते हैं, फिर पिंड भरवाओ। अब क्या कहते हैं, प्रेत सिला पर जाय विराजे, प्रेत सिला पर जाय विराजे, पितरों पिंड भराई रे संतोयो सौदा करना। अब सारे क्रियाक्रम कर दिए, अब मैं श्राद्ध काटो, श्राद्ध निकालो किस लिए, कि हो सकता तुम्हारा पिता माता कौवा बन गए हो, उनको भोग लग जाएगा। बोर सराद खान को आए, बोर सराद खान को आए, काग वे कलमा हीरे संतो यो सौदा करना। भूत बन गए, फिर क्या प्रेत बन गए, भी गए पिंड दान करो, परमात्मा कहते पिंड दान कर दिया, भूत जो नीता छूटे था पिंड प्रदान करन, गरीब दास जिंदा के नहीं मिला भगवत, भूत दूनी छुट गई काग बन गया। अब काग के लिए आए साल श्राद्ध करो, और पिताजी को कौवा बन का आ गया, इसको भोग लगाओ। कहां से गति कराने लगे थे, मोक्ष कराने थे, कौवा बना के छोड़ दिया। रे बोली सी दुनिया सतगुरु वेद कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु वेद कैसे सरिया, अपने लला के बाल उतरवावे, देखो कैची ना लग जाइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, जीवित बाप गेले लठ में लठा मुए गंग पुचैया, जब आवे आसोज का महीना फिर कौवा बाप बनैया, रे भोली सी दुनिया।
सतगुरु बिन कैसे सरिया। कर जापा का भोजन बना के माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता बोते वो क्यों ना मर गईया रे भोली सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब गरीबदास जी कहते हैं, प्रेत से लाप जाय बिराजे, प्रेत से लाप जाय बिराजे, पितरों पिंड भराई संतो यो सौदा करना। बोर सरा दिखाण को आए, बोर सरा दिखाण को आए, काग वहे कलिमा हीर संतो यो सौदा करना। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, सकल कर्म कट जाई रे संतो यो सौदा करना। एक है वाणी में स्पष्ट कर दिया परमात्मा के बच्चे ने, जय सतगुरु की संगत करते सारे झंझट मिट जाते हैं, सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते सारी, अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर सतलोक में, जहां धूप न छाही रे संतो यो सौदा फिरना। सुरती नृति मन पान पियाना, सुरती नृति मन पान पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो यो सौदा फिरना। यो सौदा फिर ना ही संतो यो सौदा फिरना। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गुसाई रे संतो यो सौदा फिरना। यो सौदा फिरना ही रे संतो यो सौदा फिरना। बच्चों, परमात्मा के इस प्रयत्न को, इस अनमोल ज्ञान को हल्के बना लो ना, तो दास दाप से कुछ लालच है आपको, पर देख लिया होगा इतने वर्षों से लग रहा है दास, ना कोई ऐसा मैं रोटी ना मिलने थी पाखंड करने निकला हूं। परमात्मा को देख लो क्या स्वार्थ था उनका, कपड़े बुनने की लीला करते थे हमारे लिए, जगह जगह भटक के हमें राह दिखाया करते थे। अब बालक मत रहो, अब इस ज्ञान से मैच्योर हो जाओ, इस गंदे लोक से निकलने की कति दृढ़ संकल्प कर लो। क्या कहते हैं, मन ने की कर ले 2 दिन को मेहमान, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन को मेहमान। परमात्मा आंखों में आंसू भर के, जब 50-100 खड़े होते थे सत्संग सुनने के लिए, बैठ जाते थे तो राय खड़े हुए आकर, और ये कहते थे आखिर तुमको कौन कहेगा, ये गुरु बिन ऐसा ज्ञान दो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इस गंदे लोक में क्यों फंसे पड़े हो, ये तरीका है इससे निकलने का। बच्चों, जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा कबीर जी ने कहा था, गोरखनाथ में सबन का गुरुआ, तो गोरखनाथ जी बोले तुमरा वचन में लग करवा, क्या बहुत गलत बोल रहे हो। कबीर साहब बोले कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पति जस हुई। गोरखनाथ सिद्धि में बोलिया, और टूने टामण हंड है पूरा, सोने का एक पर्वत को, पहाड़ को सोने का बना दिया था अपने वचन की शक्ति से। यहां तक सिद्धि प्राप्त था गोरखनाथ। और गरीबदास जी कहते हैं, गोरखनाथ सिद्धि में भूलिया पर टूने टामन हंड फिर, ये टूने टामन बताए
जंतर मंतर योग निभाई, काल चक्र जम दोहरा खाई, ब्रह्म भक्ति ना की जय भाई, तुम हो जम की फर्दी माई। तुम काल की फर्द में चढ़ रहे हो पक्के, उसका नाम हो चुके हो। हम बताओ या साधना कर लो, आजा गोरख तेरा पीछा छुटवा दो। गोरखनाथ जी एक बार प्रभावित हुए, ज्ञान सुना, प्रथम मंत्र दाता ने सेकंड और प्रथम मंत्र उसको दे दिया था। लेकिन सार नाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमात्मा का बच्चा था, तगड़ी तड़प थी। तो बच्चों आप भी कभी गोरखनाथ जैसे सिद्ध रहे, लेकिन आपका वो प्रोसेस पूरा हो चुका है, अब आपका फाइनल गेम है। इन बातों को हल्के बना लेना, ये मत समझना मैं वैसे ही कह रहा हूं, कति प्रमाणित एक नंबर की सारी सच्चाई। आपका फाइनल जीवन है, ईब के आपने कति कुर्बान होना पड़ेगा, क्योंकि आपको सभी फाउल पॉइंट पता लग गया और कैसे कैसे हम इस स्थिति तक पहुंच चुके हैं। अब क्या आप अब भी धोखा खाओगे, अब भी ऐसी गलती करोगे? ये बच्चों का खेल नहीं है जो आपको परमात्मा ने शरण दिए, ये ज्ञान समझ में आया, उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। आपके गांव में पूरा पूरा गांव भरा है और कोई सुनता भी नहीं, बिना भाग के कुकर सुने इंसान। लखबर सूराजो ही लखबर सावन दे, लखबर की जहान में तो सदगुरु हो। आप ऐसे पुण्यात्मा, आपकी किस्मत की प्रशंसा जितनी करो उतनी थोड़ी है, फिर इसको आप भी समझो, कुर्बान हो जाओ। ये दो दिन का ढूंढमा पता नहीं कब फूक निकल जाएगी, दरा दरा रह जा, जिसके लिए सत्संग सुन का टाइम भी नहीं तुम्हारे पास। और ये कहां से क्या हो रहा है देखो, अरे कहीं तक देख लो, किसी दृष्टिकोण से तुम मालिक ने पहचान लो। बच्चों परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको सद्बुद्धि दे, आपको सतलोक का सुख और काल का कष्ट गहराई से याद रहे। सत साई।